हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको M3। दोस्तों, अगर आप पोको M3 यूज कर रहे हो, या तो आपका कोई दोस्त यार या तो आपका फैमिली मेंबर कोई भी पोको M3 यूज कर रहा है, तो आप ये वीडियो को थोड़ा आखिर तक देख लो, क्योंकि बहुत लोगों का पोको M3 चलते चलते बंद हो जा रहा है और नहीं हो रहा है। तो आपको कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें कि आपका पोको M3 कभी बंद नहीं होगा, डेड नहीं होगा। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पोको M3 मोबाइल है, अगर आपका ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो चुका है, ऑन नहीं हो रहा है, तो आप इसको 600-700 रुपया देके बना सकते हो, या तो आप हमारे पास कॉल करके क्या प्रॉब्लम है पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा उसमें क्या प्रॉब्लम है। और अगर आप उधर नहीं बना पा रहे हो, तब भी हमारे पास भेज के मोबाइल रिपेयर करा सकते हो। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आखिरी में जब कॉन्टैक्ट करोगे तब बता दूंगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ है, चल रहा है अभी, तो आपको एक गलती नहीं करना है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, वो चीज कभी नहीं करना है। अगर नहीं करोगे तो आपका मोबाइल कभी डेड नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, पोको M3 है और इसमें MIUI 12.5 का अपडेट आया है। दोस्तों, जैसे ही ये अपडेट कर लोगे, उसके बाद MIUI 13 का अपडेट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, जितना भी पोको और रेडमी का मोबाइल है, उसमें MIUI 13 का अपडेट जैसे ही कर लेते हो, वैसे ही आपका मोबाइल में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप नहीं जानते हो, मैं बता देता हूँ, पोको X3 और पोको X3 प्रो 400 से ज़्यादा मैं मोबाइल बना चुका हूँ, सभी का सेम प्रॉब्लम आता है। जैसे ही MIUI 13 अपडेट कर लेता है, उस मोबाइल जो है डेड हो जाता है, या तो उसमें जो प्रॉब्लम आता है, कैमरा नहीं काम करता है, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ, या तो उसमें साउंड नहीं आता है, बहुत सारा दिक्कतें आता है। और खाली पोको M3 नहीं, पोको M3, पोको X3 प्रो, पोको X3 और पोको X2, बहुत सारा डिवाइस में सेम प्रॉब्लम आ रहा है MIUI 13। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो गलती से अपडेट नहीं करना, और अगर आपने कर लिया है तो एक काम करना, MIUI 14 का अपडेट आ चुका है, आप देख लो, अगर आपका आया है तो आप उसको अपडेट कर लो, तभी जाके आप बच सकते हो। नहीं तो आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो MIUI 13 का आपका अगर अपडेट है, मतलब आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो बहुत सारा दिक्कतें आ सकता है। तो गलती से अपडेट नहीं करना, और अगर अपडेट कर लिए हो तो MIUI 14 में अपडेट कर लेना, तब आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या से बच के रहना है, समझ में आया कि नहीं? अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्त लोग के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।